हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अंकुश शर्मा में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम गिल टोकन से सारे वेपन लूट किट आपको बाय करके दिखाने वाले हैं। तो ये जितने भी गन बॉक्स हैं गाइस, वो मैं इस वीडियो में आपको बाय करके दिखाने वाला हूँ। और देखते हैं गाइस, इन गन बॉक्स में परमानेंट गन निकल सकती है नहीं निकल सकती है। और मेरे पास 1665 गिल टोकन है और डायमंड भी चाहिए होंगे इसके लिए, इन सबको बाय करने के लिए। तो हम सारे गन किट्स बाय करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखते हैं गाइस क्या निकलते हैं हमारे, कितनी परमानेंट स्किन निकलती है, कितनी टेम्परेरी स्किन निकल सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर आपको 5 तरीके की गन बॉक्स देखने को मिल जाएगी। और इनमें गाइस आप जानते होंगे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट हमको ऑलरेडी मिलता है। और यहाँ पर हमारी फेमस मूनवॉक लूट किट है, और दूसरी फ्यूचरिस्टिक वेपन लूट किट, तीसरी हमारी AK फ्लेमिंग वेपन लूट किट, थी हमारी MP40 न्यू ईयर, और पाँचवीं है गाइस हमारी स्कार ब्लड मून वेपन लूट किट। तो ये पाँचों गाइस मैं बाय करने वाला हूँ। तो स्टोर में गाइस इन सभी की वैल्यू 55 डायमंड है, वो भी 30% डिस्काउंट के बाद। वैसे उनकी वैल्यू 79 डायमंड हो जाएगी फिर बाद में। और यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है, हर गन किट अलग अलग डिस्काउंट में मिल रही है। तो सबसे पहले गाइस, इनमें सबसे महंगी गन किट है यहाँ पर, ये फेमस वाली। तो इसको बाय करते हैं गाइस, यहाँ पर मैक्स पे क्लिक करते हैं, 10 बाय कर सकते हैं, जिसके लिए हमको 100 गिल टोकन चाहिए होंगे और 280 डायमंड चाहिए होंगे। तो कंफर्म करते हैं। ओके, ये आ चुके हैं गाइस, अभी इनको ओपन नहीं करेंगे गाइस, हम सबको साथ में ओपन करेंगे। तो बैक वाले बटन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हमारी ये मून वॉक तो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये अभी फिलहाल यहाँ पर आई नहीं है, लेकिन सोल्ड आउट में आ जाएगी क्योंकि हम मैक्स बाय कर चुके हैं। इसके बाद गाइस, इसमें सेकंड नंबर पे आती है ये वाली फ्यूचरिस्टिक वेपन लूट किट स्कार वाली। ये 25 डायमंड की मिलेगी हमको एक किट, और 10 किट मिलेगी 250 डायमंड की। तो मैक्स पे क्लिक करते हैं गाइस, और गिल्ड टोकन चाहिए होंगे इसके लिए 200। तो गाइस इस पर भी कंफर्म करते हैं, बैक पे क्लिक करते हैं। तो ये भी बाय कर लिए गाइस, अब ड्रैगन AK बाय करते हैं, नंबर 3rd पे आती है 21 डायमंड की। और इनकी भी मैक्स गन किट गाइस बाय कर लेते हैं, 210 की पड़ेगी हमको, 250 गिल टोकन चाहिए होंगे। ओके, AK वाली भी आ चुकी है हमारे पास। अब गाइस, अब ये दोनों गन की क्रेट की सेम प्राइस है 18 डायमंड, तो इनको भी बाय कर लेते हैं गाइस। मैक्स पे क्लिक करते हैं, और ये 180 डायमंड की पड़ेगी, गिल टोकन लगेंगे हमारे 200। और ये भी बाय हो चुकी है गाइस। अब आखिरी गन किट हमारी गाइस, स्कार ब्लड मून वेपन लूट किट। तो गाइस इसको भी बाय कर लेते हैं, मैक्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर 180 डायमंड लगेंगे हमको और 200 गिल्ड टोकन लगेंगे। तो इसको भी कंफर्म कर लेते हैं, ये भी आ चुकी है गाइस। अब यहाँ पर हम ज़ॉम्बी टोकन पे जाके वापस यहाँ पर आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी सोल्ड आउट हो चुकी है, क्योंकि ये रिफ्रेश हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, हमारी सारी गन किट हमने बाय कर ली है। और गाइस मैं इसको अभी नहीं खोलूंगा, तो 5-10 मिनट बाद इनको खोलूंगा। तो गाइस मैंने गेम 10 मिनट बंद करके वापस स्टार्ट करी है, और यहाँ पर आप देखते हैं गाइस, एक एक करके हम क्रेट्स ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्यूचरिस्टिक वेपन लूट किट ओपन करते हैं। तो गाइस इसमें मैं सबसे पहले 10 की 10 एक साथ ओपन करता हूँ, देखते क्या होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमको 7 दिन के लिए मिले, 3 दिन के लिए मिले, ओके करते हैं। ऑलराइट, इसमें परमानेंट नहीं निकली है, इसमें परमानेंट नहीं निकली है। अब फेमस में गाइस हम एक एक करके ओपन करेंगे। चलिए एक ओपन हुई है। ऑलराइट, पहले 5 एक एक करके ओपन करेंगे, फिर देखते हैं गाइस। ऑलराइट, चलिए। ऑलराइट, परमानेंट नहीं मिल रही है इसमें भी, और इसमें भी टेम्परेरी ही मिली जा रही है। ऑलराइट, ऑलराइट, चलिए चलिए, यहाँ पर 7 दिन के लिए मिली, और 24 घंटे के लिए मिली, और 7 दिन के लिए मिली है। तो फेमस में भी नहीं मिली है गाइस। अब हम गाइस ओपन करेंगे MP40, तो ये भी 10 की 10 ओपन करते हैं, देखते हैं गाइस इसमें परमानेंट निकलती है नहीं निकलती। नहीं निकली, नहीं निकली। अब सिर्फ 2 क्रेट बची है गाइस हमारे पास, सिर्फ 2 क्रेट बची है गिल्ड टोकन की। हमने सारी क्रेट खोल चुके हैं, सिर्फ 2 क्रेट बची है। तो गाइस पहले कौन सी खोलें? तो गाइस पहले खोलते हैं हम स्कार की, खोलते हैं। चलिए इसका पहले एक खोलते हैं, और फिर एक और खोलते हैं। ओ, अब ड्रैगन AK खोल लिया हमने, चलिए एक और खोलते हैं। ओके, अब 8 की 8 एक साथ खोलते हैं। और 8 की 8 एक साथ खोलते हैं, और यहाँ पर गाइस हमको टेम्परेरी ही मिली अभी तक। ओ, तो इसमें भी टेम्परेरी ही मिली है। तो गाइस अब सिर्फ AK-47 बची है हमारे पास। और इससे पहले गाइस मैं एक गोल्ड रॉयल में स्पिन कर लेता हूँ, तो देखते क्या पता यही ट्रिक काम कर जाए। तो यहाँ पर एक गोल्ड रॉयल में स्पिन करने गाइस, एक गोल्ड रॉयल में स्पिन कर रहे हैं, फिर वापस जाते हैं हम क्रेट्स के अंदर। ओके, यहाँ पर हमको ये चीज़ मिली है। अब जाते हैं गाइस वापस क्रेट के अंदर, जाते हैं वापस, देखते हैं अब क्या मिलता है हमको। तो यहाँ पर गाइस अब मैं 9 की 9 एक साथ ओपन करूँगा, और 7 दिन के लिए तो मिली गाइस इनमें से एक, बाकी 24 घंटे के लिए मिली है। ओह नो 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 नो, 7 3 दिन 24 घंटे।
ऑलराइट गाइस, हमने सारी क्रेट्स ओपन कर दी, हमको एक भी परमानेंट नहीं मिली है, एक भी परमानेंट नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप गाइस देख लेते हमारी कौन कौन सी गन आई है। हमारी एक आई है गाइस, ये एक ही आई है, ड्रैगन एक आई है, हमको 23 दिन के लिए मिली है, तो इसको इक्विप कर लेते हैं। बाकी दूसरी गन्स देखते हैं। दूसरी गाइस ये भी हमारी स्कार की दो दो गन आई है, तो ये दोनों गाइस एक साथ ही आई है, दोनों ही स्कार की है, तो इसमें डैमेज 10% जा रहा है, इसमें 20% जा रहा है, तो मैं इसको स्किप करूंगा। ये 25 दिन के लिए मिली है और ये तो मेरे लिए वेस्ट ही है क्योंकि मैं 25 दिन के लिए इसको यूज़ करने वाला हूँ। और एक MP40 मिली है गाइस, ये हमारे पास MP40 हमारे पास ये वाली भी है और ये वाली भी है, इसमें मैगजीन ज़्यादा है, इसके अंदर रेंज ज़्यादा है, तो मेरे को भी ये नहीं चाहिए। और दूसरी MP40 ये वाली है गाइस, ये वाली हमको डैमेज ज़्यादा है लेकिन ये लेजेंडरी नहीं है, तो मैं इसी को इक्विप करके रखूँगा। मून वॉक गाइस, ये वाली भी एक गन मिली है गाइस, ये वाली भी देख सकते हैं, ये भी लेजेंडरी गन नहीं है गाइस, ये वाली भी लेजेंडरी गन नहीं है, ये 18 दिन के लिए मिली है गाइस, इसकी रिलोड स्पीड ज़्यादा तेज है, इसकी डैमेज ज़्यादा तेज है, तो मैं ये वाली इक्विप रखूँगा जो मैंने ऑलरेडी इक्विप कर रखी है। इसके अलावा गाइस हमको ये फेमस की स्किन मिली है, तो इसको भी देख लेते हैं गाइस, ये लेजेंडरी है, इसका डैमेज 20% ज़्यादा है और रेंज 10% ज़्यादा है, तो हमारी पुरानी फेमस से काफ़ी अच्छी फेमस है ये, इसको इक्विप कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, मैंने आपको सारी गन क्रेट्स ओपन करके दिखा दी और एक भी गन क्रेट में, हमारी एक भी गन बॉक्स में परमानेंट गन नहीं निकली है। उम्मीद करता हूँ गाइस अगर आप गिल्ड टोकन से कोई भी गन ले गई तो आपकी परमानेंट निकल जाए, और हमारी तो नहीं निकली है गाइस। अगर आपने भी कभी गिल्ड टोकन से गन क्रेट खरीदी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी परमानेंट निकली थी या टेम्परेरी निकली थी। ओके गाइस, वीडियो के अंत देखने के लिए आपके लिए जोरदार क्लैपिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगता है तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।